नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप पेपर वाइज और टॉपिक वाइज एडिटोरियल के आर्टिकल्स की वीडियोस को देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाके। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन कोर्सेज के बारे में। आप video.onlyis.in पर जाके, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ये सारे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो। पॉलिटिकल साइंस कोर्स, करंट अफेयर सीरीज, मेंस बूस्टर प्रोग्राम। और अगर आपको कोई डाउट हो इन कोर्सेज से संबंधित तो आप अपना डाउट सेंड कर सकते हो onlyis@gmail.com पर। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट आर्टिकल नेशनल सिक्योरिटी से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। 2018 के अंत में सरकार ने 3 नई एजेंसीज को सेटअप किया, डिफेंस साइबर स्पेस एजेंसी, डिफेंस स्पेस एजेंसी और सबसे लास्ट में स्पेशल ऑपरेशंस डिवीजन। आर्टिकल में कहा जाता है, देखो इन 3 एजेंसीज को सेटअप करना इंपॉर्टेंट डोमेन्स में, फॉर एग्जाम्पल साइबर स्पेस में, स्पेस में और स्पेशल ऑपरेशंस के डोमेन में, ये एक यूजफुल स्टेप है नेशनल सिक्योरिटी के क्षेत्र में। लेकिन देखो आर्टिकल में कहा जाता है, सरकार की तरफ से 2 कमेटीज जो गठित की गई थी, नरेश चंद्रा टास्क फोर्स और चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, दोनों कमेटीज को गठित किया गया था ताकि ये कमेटीज रिकमेंडेशंस दें इंडिया के डिफेंस को और ज़्यादा मजबूत कैसे बनाया जा सकता है। इन दोनों कमेटीज ने अपनी रिकमेंडेशंस में एक सजेशन ये दिया था, स्पेस, साइबर स्पेस और स्पेशल ऑपरेशंस डोमेन, इन तीनों डोमेन्स को टैकल करने के लिए इंडिया 3 सेपरेट जॉइंट कमांड्स इस्टेब्लिश करें, साइबर स्पेस के लिए अलग, स्पेस के लिए अलग और स्पेशल ऑपरेशंस डोमेन के लिए अलग। और साइबर स्पेस के लिए जो कमांड होगी वो जॉइंट कमांड होगी, उसमें तीनों हमारी फोर्सेस के पर्सनल होंगे, आर्मी के, एयरफोर्स के, नेवी के। इसी प्रकार से स्पेस के लिए और स्पेशल ऑपरेशंस डोमेन के लिए भी जॉइंट कमांड इस्टेब्लिश की जाए, यानी तीनों सर्विसेज के पर्सनल होम। सरकार ने इन रिकमेंडेशंस को नहीं माना, अलग से एजेंसीज इस्टेब्लिश कर दी, ये 3 एजेंसीज जो हमने डिस्कस की, डिफेंस साइबर एजेंसी, डिफेंस स्पेस एजेंसी और स्पेशल ऑपरेशंस डिवीजन। आर्टिकल में कहा जाता है, सरकार की जो अप्रोच है डिफेंस से संबंधित या फिर इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी से संबंधित, अप्रोच सरकार की फ्यूचरिस्टिक नहीं है। देखो भविष्य के जो युद्ध हैं वो इन्हीं क्षेत्रों में लड़े जाएंगे, साइबर स्पेस में, स्पेस में। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है, क्या हम तैयार हैं ये न्यू एज वार्स के लिए? क्या हम पुराने तरीकों के वार के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं? लास्ट युद्ध इंडिया ने लड़ा था 1999 में कारगिल का। लेकिन देखो फ्यूचर में जो युद्ध लड़े जाएंगे वो कारगिल टाइप के नहीं लड़े जाएंगे, लेकिन इंडिया की जो अप्रोच है वो चेंज नहीं हो रही है। नए युद्ध लड़ने के लिए इंडिया अपने आप को जिस स्तर पर तैयार करना चाहिए इंडिया को, उस स्तर पर इंडिया अपने आप को तैयार नहीं कर रहा है। देखो आज के समय में मिलिट्री से संबंधित पॉलिसी बनाने वाले जो लोग हैं या फिर स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट हैं, उनका फोकस पुराने टैंकों पर नहीं है। पुराने समय में युद्ध जीतने के लिए बड़े बड़े हथियारों का इस्तेमाल या फिर टैंकों का इस्तेमाल नहीं, आज के समय में स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट का फोकस है युद्ध जीतने के लिए कैसे नई नई टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया जाए, नई नई इनोवेशन की जाए वार जीतने के लिए। फॉर एग्जांपल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा एनालिटिक्स, सैटेलाइट को जाम कर दिया जाए, हाइपरसोनिक स्ट्राइक टेक्नोलॉजी, एडवांस्ड साइबर कैपेबिलिटीज या फिर स्पेक्ट्रम डिनाइल और सबसे लास्ट में हाई एनर्जी लेजर्स, इन चीज़ों को कैसे इस्तेमाल किया जाए युद्ध जीतने के लिए, इस पर सभी प्रमुख देशों की जो मिलिट्रीज हैं वो फोकस कर रही हैं। लेकिन देखो अगर नई नई टेक्नोलॉजीज, नई नई इनोवेशंस का इस्तेमाल करना है तो उसके लिए आपको मिलिट्री में सूटेबल कमांड चाहिए ताकि इन टेक्नोलॉजीज को बेहतर ढंग से इस्तेमाल किया जा सके। सूटेबल कमांड के अलावा आपको एक डॉक्ट्रिन भी चाहिए, ये बात इंडिया को समझने की आवश्यकता है। इसी वजह से राइटर कह रहे थे कि 3 जॉइंट कमांड इस्टेब्लिश करनी चाहिए थी अलग अलग क्षेत्रों में, साइबर स्पेस में, स्पेस में और स्पेशल ऑपरेशंस के डोमेन में। आगे आर्टिकल में कहा जाता है, ये जो मिलिट्री के क्षेत्र में नई नई टेक्नोलॉजीज या फिर नई नई इनोवेशंस आ रही हैं, इनसे बहुत बड़ा डिसरप्शन आ रहा है। कैसे, हम एग्जांपल की सहायता से समझते हैं। मान लेते हैं 2 देश हैं, इंडिया और पाकिस्तान, दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। पाकिस्तान देखो इंडिया के खिलाफ न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि पाकिस्तान को पता है इंडिया के पास भी न्यूक्लियर वेपन है, और अगर हम इंडिया के खिलाफ न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करते हैं तो कितने भी ज़्यादा हम न्यूक्लियर वेपन इंडिया के खिलाफ यूज कर लें, ऐसा होगा
कुछ ना कुछ इंडिया के न्यूक्लियर वेपन्स जरूर बच जाएंगे, और अभी तो इंडिया के पास न्यूक्लियर ट्रायड भी है, मतलब समुद्र में बहुत ज़्यादा डीप में हमने न्यूक्लियर वेपन्स छुपा के रखे हैं, और समय आने पर हम उन न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। कहने का एसेंस देखो यहाँ पर ये है, पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल इसलिए नहीं करेगा क्योंकि पाकिस्तान को पता है कितना ही हम जोर का वार कर लें इंडिया के ऊपर, कितने ही न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल कर लें पहली बार में, लेकिन कुछ न्यूक्लियर वेपन्स इंडिया के ज़रूर सर्वाइव कर जाएंगे, और बाद में इंडिया जब जवाब देगा तब पाकिस्तान की खैर नहीं। ये ट्रेडिशनल थिंकिंग है, लेकिन डिसरप्शन अब क्या आ रहा है, नई नई टेक्नोलॉजीज़ या फिर नई नई इनोवेशन जो इमर्ज होकर आई हैं मिलिट्री के क्षेत्र में, उससे ये इंश्योर हो पाएगा। वही एग्जाम्पल मान लीजिए इंडिया और पाकिस्तान, पाकिस्तान ये इंश्योर कर पाने में कामयाब हो जाएगा अगर पहली बार में इंडिया के खिलाफ न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल किया जाता है, तो पाकिस्तान नई टेक्नोलॉजीज की सहायता से ये भी इंश्योर कर पाएगा कि इंडिया के पास जितने भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनको ख़त्म कर दिया जाए। ऐसी टेक्नोलॉजी से क्या होगा, डर खत्म हो जाएगा। पहले जो पाकिस्तान को डर लगा करता था कि अगर इंडिया के खिलाफ न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल किया तो इंडिया के सारे न्यूक्लियर वेपन्स तो खत्म होंगे नहीं और इंडिया जवाब देगा, लेकिन अगर नई टेक्नोलॉजीज की सहायता से पाकिस्तान ये इंश्योर कर पाने में कामयाब हो पाएगा कि इंडिया के सभी न्यूक्लियर वेपन्स को खत्म कर दिया जाए पहले वार में ही, तो इंडिया जवाब नहीं दे पाएगा और पाकिस्तान वो युद्ध जीत जाएगा। देखो इंडिया पाकिस्तान सिर्फ एग्जाम्पल है, मतलब इंडिया भी पहली बार में पाकिस्तान के सभी न्यूक्लियर वेपन्स को खत्म कर सकता है। जो टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के पास होगी वो तो डेफिनेटली इंडिया के पास भी होगी ना। आप एग्जाम्पल को समझने की कोशिश कीजिए, पहले एक न्यूक्लियर वेपन वाला कोई स्टेट दूसरे न्यूक्लियर वेपन वाले स्टेट के खिलाफ न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल इसलिए नहीं करता था क्योंकि उसको ये लगता था कि अगर दूसरे देश के कुछ न्यूक्लियर वेपन्स बच गए तो वो हमारे खिलाफ यूज करेगा सेकेंड स्ट्राइक में। लेकिन अब तो नए नए ड्रोन्स आ गए हैं, बहुत गहरे ओशन में भी बैलिस्टिक मिसाइल आर्म न्यूक्लियर सबमरीन्स को डिटेक्ट करने के लिए, यानी पता लगाया जा सकता है कि दूसरे देश ने न्यूक्लियर वेपन्स को समुद्र में कितनी गहराई पर कहाँ पर छुपा के रखा है। आजकल आर्टिफिशियल इनेबल्ड सिस्टम आ गया है, रियल टाइम ट्रैकिंग एंड सर्विलेंस सिस्टम आ गया है, तो इन नई टेक्नोलॉजीज की सहायता से दूसरे देश के न्यूक्लियर वेपन्स को डिटेक्ट किया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है। ये एक बहुत बड़ा डिसरप्शन है। तो ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजीज के लिए मिलिट्री के क्षेत्र में नई नई इनोवेशंस के लिए ग्रेट पावर्स के बीच फ्यूचर में कंपटीशन देखने को मिलेगा। और यूएसए देखो इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी से बाहर आ गया है, तो नियर फ्यूचर में बड़ी बड़ी पावर्स के बीच, फॉर एग्जांपल यूएसए, रशिया, चाइना, इन सब पावर्स के बीच एक आर्म रेस देखने को मिल सकती है। जैसी आर्म रेस देखो कोल्ड वार के दौरान देखने को मिली थी, उसी प्रकार की आर्म रेस नियर फ्यूचर में देखने को मिल सकती है। और देखो मिलिट्री के क्षेत्र में ये जो नई नई टेक्नोलॉजीज या फिर इनोवेशन आ रही हैं और विभिन्न देशों की कैपेबिलिटी बढ़ती जा रही हैं, इनसे तो कन्फ्लिक्ट की संभावना और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसे दो देश हैं ए और बी, ए देश ने अपनी कैपेबिलिटी को बहुत ज़्यादा इंक्रीज करके रखा है साइबर स्पेस के क्षेत्र में, और दूसरी मिलिट्री इक्विपमेंट्स को भी डिजिटलाइज किया है। सोच के देखिए, बी देश के पास और भी ज़्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी है। जैसे ही युद्ध स्टार्ट होगा ए और बी के बीच, तो बी देश के द्वारा सबसे पहले क्या किया जाएगा, ए देश के पास वो इक्विपमेंट्स जो डिजिटलाइज हैं उन पर अटैक किया जाएगा, यानी साइबर अटैक की सहायता से उन सभी इक्विपमेंट्स को बिना किसी काम का कर दिया जाएगा बी देश के द्वारा। लेकिन ऐसी सिचुएशन में ए देश कैसे बिहेव करेगा अभी कोई पता नहीं है, क्योंकि ट्रेडिशनल वारफेयर में दूसरे देश का क्या रिएक्शन होगा थोड़ा बहुत अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन ए देश के ऊपर साइबर अटैक किया जाता है बी देश के द्वारा, तो हो सकता है कि ए देश में पूरी हलचल मच जाए, इसे बड़े स्तर पर वार माना जाए ए देश के द्वारा, और ए देश के द्वारा आदेश दे दिया जाए कि न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल हो बी देश के अगेंस्ट, मतलब कन्फ्लिक्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ सकता है। जैसे जैसे विभिन्न देश अपने मिलिट्री इक्विपमेंट्स को डिजिटलाइज करते जा रहे हैं, वो ये नहीं समझ रहे हैं जितना ज़्यादा वो डिजिटलाइज कर रहे हैं कैपेबिलिटी तो आपकी बढ़ रही है, लेकिन खतरा और भी ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि डिजिटलाइजेशन से दूसरा देश जो है वो आपके मिलिट्री इक्विपमेंट्स पर अटैक कर सकता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है कि कन्फ्लिक्ट का जो डर है वो और भी ज़्यादा है नियर फ्यूचर में। आगे आर्टिकल में देखो स्पेसिफिकली चाइना की बात की जाती है। मिलिट्री एक्सपर्ट्स के द्वारा कहा जा रहा है कि मिलिट्री के क्षेत्र में नई नई जो टेक्नोलॉजीज या फिर इनोवेशंस आई हैं
उन सब में चाइना ने लीड किया है। चाइना के पास क्वांटम कंप्यूटिंग, 3D प्रिंटिंग, हाइपरसोनिक मिसाइल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित टेक्नोलॉजीज में महारत हासिल है। लेकिन देखो, मेन जो पोटेंशियल टारगेट है चाइना का वो USA है। फिर भी इंडिया में तो कंसर्न्स है ही ना, क्योंकि इंडिया का चाइना के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट है। और इनमें से कुछ अच्छी टेक्नोलॉजीज चाइना पाकिस्तान के साथ भी शेयर कर सकता है, क्योंकि आरोप ये लगता रहता है कि चाइना की सहायता से ही पाकिस्तान ने न्यूक्लियर वेपन्स का निर्माण किया है। और अगर देखो, इंडिया भी इन सभी टेक्नोलॉजीज में महारत हासिल करने की कोशिश करता है या फिर अपनी कैपेबिलिटी को डेवलप करता है, तो फिर पाकिस्तान पीछे नहीं रहेगा। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में भी एक आम रेस देखने को मिल सकती है इन सभी मिलिट्री की नई नई टेक्नोलॉजीज और इनोवेशंस में। तो इस पूरे कंटेक्स्ट में राइटर के द्वारा अंत में एक बार फिर से क्वेश्चन रेज किया जाता है, क्या इंडिया न्यू वार्स के लिए तैयार है या फिर नहीं है? गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया है 3 नई एजेंसीज को सेटअप करने का, खबरें इस प्रकार से आ रही हैं, स्पेस कमांड को हेड किया जाएगा एयरफोर्स के द्वारा, स्पेशल ऑपरेशंस कमांड को हेड किया जाएगा आर्मी के द्वारा और नेवी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी साइबर कमांड की। लेकिन देखो, ज्वाइंट कमांड इस्टाब्लिश होती इन सभी डोमेन्स में तो ज़्यादा बेहतर होता, ज़्यादा बेहतर ढंग से हम कमांड एंड कंट्रोल इस्टाब्लिश कर सकते डिफेंस के क्षेत्र में। अभी भी हमारे देश में बड़े लेवल पे जो डिफेंस संबंधी डिसीजन लिए जाते हैं वो सिविल सर्विसेज डोमिनेटेड लोगों के द्वारा लिए जाते हैं, तो इस क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा करेक्शन की आवश्यकता है। कुछ प्रयास किए गए हैं लेकिन वो इतने ज़्यादा इफेक्टिव नहीं हैं। तो हायर लेवल पे डिफेंस से संबंधित जो डिसीजन मेकिंग होती है उस पूरी प्रोसेस को हमें रेक्टिफाई करने की आवश्यकता है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया नेशनल सिक्योरिटी से संबंधित। चलते हैं आगे। तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।